तुम्हारे वो अभी तक नहीं आए? क्यों, जीजाजी कहते हुए शर्म आती है? बेशक, जो आदमी वादा करके वक्त पर ना आए उसे जीजा तो क्या भतीजा कहते हुए शर्म आएगा। लो भाई वो आ गया। नमस्ते पिताजी। जीते रहो। हेलो जय। हेलो राजेश। जय, तुम इंग्लैंड रिटर्न हो या हरिद्वार रिटर्न? अभी तक इन घिसी पीटी रीति रिवाजों को मानते हो? देखो राजेश, शरीफ आदमी इंग्लैंड तो क्या, किसी भी लैंड में चला जाए अपनी मदरलैंड को कभी नहीं भूल। एक्सीलेंट, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए जाए कि इंसान को जमाने के साथ चलना चाहिए। बेशक बेशक, ये आम आदमी यानी कि तुम जैसों का असूल है, लेकिन खास आदमी यानी कि मुझ जैसे जमाने के साथ कभी नहीं चलते, बल्कि जमाने को अपने साथ लेकर चलते। राजेश बेटा जी, ये जीव जीव का प्रभाव है। जब से तैने जन्म लिया मैंने मिट्टी में भी हाथ डाला वो सोना हो गया। पहले हम एक छोटी सी फैक्ट्री के मालिक थे, अब कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना बड़ा कारोबार है। एक्सक्यूज मी पिताजी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं एक शो देखने जा रहा हूँ, जाऊं? भैया मेरी दक्षिणा। अरे मैं भूल ही गया था, ये रही तुम्हारी दक्षिणा। लिविंग इज लविंग, रेस्ट इज कैंसर। अर्थात एक प्यार जीवन का मूल, बाकी सब फजूल। संतोष भाई, साधुराम सूद कहाँ है? क्या बात है? हाउसफुल हो चुका है और जयदेव कानपुरी अभी तक नहीं आए। मुझे तो डर है कहीं पब्लिक कुर्सियां न तोड़ दे। बहन हरभजन कौर, कुर्सियां तो मंगलवार को टूटी थी, अब की बार हड्डियां और पसलियां टूटने की बात। तुम्हें दिल लगी सूझ रही है और अंदर आरती हम सब पर बिगड़ रही है। तुम चलो, मैं जयदेव जी का ही इंतजार करूं। जाओ। नमस्ते जय साहब। हेलो राधु। हेलो 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 हेलो, जय साहब, जय हिंद। आइए अंदर, अंदर आइए। आपकी तारीफ। तारीफ? मेरा नाम साधुराम सूद है। साधुराम सूद ने जमाना देखा है मगर ऐसा अनजाना नहीं देखा। आइए, जमाने भर के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। फॉलो मी इमीडिएटली, ऑल द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर यू। हरी आप, हरी आप, पीछे आइए मेरी। आइए आइए, पधारिए। क्या मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मेरी सीट पीछे जी। आपकी सीट तो हर संगीत प्रेमी के दिल में है जी। और फिर आज तो मैंने आपकी वो पब्लिसिटियां की हैं जयदेव जी। देखिए मेरा नाम जयदेव नहीं, जयशंकर है। छोड़िए भी, जयदेव जयशंकर, शंकर जयकिशन, सब संगीत के राजा हैं। ओहो ठरी ठरी, इनसे मिलिए। ये है ईना, मीना, डीका, रंबा, संबा। नमस्ते जी। और आप वो हैं जिनके इंतजार में आपके दिल अप डाउन हो रहे थे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। साधुराम सूद जी, इन्हें आरती के पास ले जाइए, वो स्टेज पर हैं। अच्छा जी, चलिए श्रीमान जी, समय नष्ट ना करिए, चलने का कष्ट करिए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच लिए। आइए चलिए, चलिए। कांग्रेचुलेशन है, मुबारकें, बधाई है, हमारे खास मेहमान प्रोग्राम की जाने आ गई हैं। वाह, साधुराम सूद ने जमाना देखा है लेकिन ऐसा निशाना नहीं देखा। आरती जी, आप हैं, आप जानती ही हैं, और आप जान ही चुके होंगे, अपनी ड्यूटियां खत्म, आपकी चालू। इस स्वागत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम तो बहुत सुना था जयदेव जी, मगर दर्शन आज पहली बार कर रही हूँ। मगर इसे आखिरी बार नहीं समझेगा। दरअसल मुझे संगीत का बहुत शौक है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, नारी और संगीत का बहुत करीबी रिश्ता है। दोनों में नरमी है, लोच है, लचक है, दर्द है, सोज है, तड़प है, खिंचाव है, कशिश है। आपकी बातचीत में भी तो कम कशिश नहीं जी, सिर्फ बातचीत। महाशय, श्री साधुराम सूद की इजाजत के बगैर कहां मुंह उठाए जा रहे हो? अंदर जा रहा हूं। अंदर कोई मंदिर तो नहीं जो हर आदमी अंदर जा रहा है? जाओ बाहर जाओ। शायद आपको पता नहीं कि मैं जयदेव कानपुरी हूं। कान मत खाओ। मैं संगीताचार्य हूं। ओहो, आप अचार बेचते हैं? मैं सिंगर हूं। सिंगर मशीन के एजेंट हैं? किसी टेलर मास्टर के पास जाइए, यहां ड्रामे मत करो। ड्रामा तो मैं खुद बन गया हूं जो तुम्हारी चिट्ठी पर इतबार करके यहाँ चला आया।
कौन सी चिट्ठी? चिट्ठी दिखाओ। ये ले। क्या है साधुराम सूद? पत्र है सुभद्रा बहन। मुझे जी नहीं, गले के लिए जरा चटनी से परहेज करता हूँ। अच्छा ये तो बताइए, आपने संगीत किससे सीखा? वो रफी साहब और किशोर साहब दोनों मेरे गुरु हैं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार? जी नहीं, खान साहब रफीउद्दीन मंडवी और पंडित किशोर नाथ खंडवी। तो ये बात है, आप जयदेव कानपुरी हैं? जी हाँ, सर से पांव तक कानपुरी। अगर आप कानपुरी हैं तो ये कानपुरी? ए महाशय, कौन से पुरी हैं आप? ललपुरी, सहारनपुरी, रामपुरी, भेलपुरी, आलूपुरी, पानीपुरी? मैं संगीत आचार्य। शायद बेचारा कुछ प्राइवेट कहना चाहता है। आओ मेरे साथ प्राइवेट रूम में आओ। आओ। कहाँ जा रहे हैं आप? जी ये नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। आप इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं। अभी तो मुझे आपका यानी हाँ साहब रफीउद्दीन मंडवी और श्री किशोर नाथ खंडवी के होनहार शिष्य का स्वागत करना है। आप भगत करनी है। आज का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, आपसे प्रार्थना है कि आप शांति पूर्वक बैठे रहे। आप इजाजत दीजिए। इजाजत? वो तो आपका उस्तादी गाना सुनने के बाद ही मिलेगी। आखिर भी मुझे गाना नहीं आता, कसम से गाना नहीं आता। गाना बजाना हमारे खानदान में किसी को नहीं आता। आप कहती है तो रो देता हूँ। रोइए, जरूर रोइए, मगर सबके सामने। कैसे रो? मीना पर्दा उठाओ। भगवान के लिए देखिए, किसी श्री बाबा का पर्दा ना उठाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली की माफी चाहती हूँ। एक नए कलाकार से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। ये हसरत अपने आप को मशहूर गायक श्री जयदेव कानपुरी बताकर हमें बेवकूफ बनाते रहे। जब इनकी पोल खुल गई तो फरमाते हैं कि गाना नहीं गा सकते, रो सकते हैं। मेरे ख्याल में इनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। इनका ऐसा स्वागत होना चाहिए कि फिर कभी अपने पाखंड से किसी को उल्लू न बना सके। आइए, आप कहाँ चले? जाइए ना। मत मानो तो मैं एक बात कहूँ? कहो। तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो फिर मुझे तैयार कर दो ना। अरे नहला दिए, कपड़े पहना दिए, नाश्ता करा दिया, अब तैयारी में किस चीज की कसर रह गई है? इस चीज की। देखा दीदी, ये खाना तो भूल सकता है मगर अपनी चवन्नी नहीं भूल सकता। ये लो तुम्हारी चवन्नी और माला तुम्हारी अठन्नी। थैंक यू। दीदी ये बंदरबाट कब तक चलेगी? मुझे चवन्नी और माला दीदी को अठन्नी, इतना फर्क क्यों? क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ते हो और बच्चे हो। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। बड़े होने से क्या होता है? पिताजी तो हम सबसे बड़े हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपने लिए कभी पैसा खर्च करते हुए नहीं देखा। अरे ये क्या पिताजी, आप तो ठीक गए हैं, रास्ते में कहीं रुक जाते? कैसे रुक जाता बेटी, दफ्तर का वक्त हो रहा था। आपकी छाता जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए अब जल्दी चाय पीजिए, कहीं सर्दी न लग जाए। चलिए। अच्छा बेटी, कितना काम करते हैं दिन भर ऑफिस में, सुबह शाम पार्ट टाइम। आपने तो अपने आप को मशीन बना लिया हमारे लिए। मैं अकेला थोड़ा हूँ बेटी, मेरे जैसे हजारों लाखों आदमियों को दिन रात इसी तरह काम करना पड़ता है। फिर भी आप थक जाते होंगे। अपनी औलाद के लिए काम करके कोई थकता है बेटी? और फिर अगर मामूली सी थकान हो भी जाए तो अपने बच्चों से मिलकर दूर हो जाती है। लेकिन अपनी थकान तो इस चांदी की चवन्ने से मिलकर दूर हो जाती है। बदमाश के।
एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरा ख्याल गलत नहीं तो आप सेंट्रल कॉलेज की स्टूडेंट हैं? आपका ख्याल गलत नहीं। ठहरिए, मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हो सकता है। सुनिए। सुनाइए। If you don't mind, क्या आप मेरी कार को इज्जत दे सकती हैं? जी। मेरा मतलब है मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? No thank you, मुझे लिफ्ट की आदत नहीं। तो फिर मुझे अपने साथ पैदल चलने की इजाजत दीजिए। जी जी, मैं तो बदतमीज नहीं कि एक शरीफ लड़की, वो भी मेरे कॉलेज की स्टूडेंट, पैदल चले और मैं उसके सामने ठाट से कार में जाऊं? तो आप कार में तशरीफ रखती हैं या मैं आपके साथ पैदल चलूं? लेकिन प्लीज। इफ यू डोंट माइंड, पीछे नहीं आगे। पीछे क्यों नहीं? माफ कीजिएगा, आगे पीछे में बड़ा फर्क होता है। मेरा मतलब है अगर आप ये गवारा कर सकती हैं कि लोग मुझे आपका ड्राइवर समझे, तो आप शौक से पीछे बैठिए। थैंक यू। अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मुझे इसमें क्या इतराज हो सकता है? एक्सलेंट, फरमाइए, क्या कहते हैं आपको? माला। नाम भी खूबसूरत है। जी जी, मुझे दीपक कहते हैं। अच्छा सीता, सुनिए, आप खाने के वक्त पर तो घर आ जाएंगे ना? मैं इंतजार करूंगी। नहीं सीता, कॉन्फ्रेंस में शायद देर हो जाए, मैं खाना यहीं खा लूंगा, तुम इंतजार ना करना। अच्छा। गाड़ी संभाल के ले जाना। अच्छा।